हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हमने अपने बाल गोपाल के लिए ये वाला पोंचो बनाया है। ये देखिए, इसको हमने टू कलर से बनाया है। और ये देखिए, यहाँ पर आप इसमें डोरी वगैरह लगा सकते हैं, या फिर चिट बटन यहाँ पर लगा सकते हैं, और एक चिट बटन यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ से ये ऐसा ही छोड़ दे, क्योंकि हमने जब ये डिज़ाइन बनाया तो डिज़ाइन की वजह से फंदे इस तरह से हो गए। आप इसको इस तरह से छोड़ सकते हैं, चाहे इसको यहाँ पर चिट बटन के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, देखिए इस तरह से भी। और ये जो पार्ट है इसका, आप बैक साइड में भी कर सकते हैं और इसको फ्रंट में भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से ये फ्रंट में भी आ जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसके साथ हमने ये मैचिंग कैप बनाई है चोटी वाली, ये देखिए फ्रेंड्स। इस साइज़ का हमारे पास प्रॉपर नाप नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको मेजर कर लें। अपने कान्हा जी के सिर का नाप लेकर टोपी का नाप ले लें आप। ये इसकी जो यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है 7.5 इंच है, आप अपने कान्हा जी के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा बना सकते हो। ये देखिए, ये ड्रेस हमने 9 और 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। 9 नंबर के लिए आप इसमें कैप में 4 फंदे कम कर लीजिए, और ऊपर जाकर इसकी 4 सिलाइयाँ कम कर लीजिए, 4 फंदे कम, 4 सिलाइयाँ कम, बाकी आप सेम बना लीजिए। और 10 नंबर के लिए आप इसको बिल्कुल सेम बना लीजिए, और ये पोंचो आप ऐसे ही बना लीजिए 9 और 10 नंबर का नज़ी के लिए, जैसे हमने बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं ये ड्रेस हमने कैसे बनाई। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर फंदे डाल लेते हैं। देखिए 3 धागे की हमने ये वूल ली है, ये देखिए, और 10 नंबर सिलाई ली है। तो यहाँ पर हम फंदे डाल लेंगे, देखिए, फंदे हम सिंपल ही डालेंगे और सिंगल धागे से डालेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम फंदे डाल लेंगे, देखिए इस तरह से डालते हुए टोटल फंदे 29 यहाँ पर हम डालेंगे। ये देखिए 29 फंदे डालकर हमने कंप्लीट कर लिए है। अब यहाँ से इसके हम फर्स्ट रो बनाएंगे। देखिए ये इसकी फर्स्ट रो है। और इसको हम उल्टा बना लेंगे, देखिए फर्स्ट रो इसकी उल्टे बनाकर कंप्लीट करते हैं। देखिए फर्स्ट रो बनाकर इसकी हमने कंप्लीट कर ली है उल्टी। अब इसकी सेकंड रो बना लेंगे, और इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए सेकंड रो उल्टी बनाएंगे, ये देखिए इस रो को भी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे उल्टा बनाकर। ये देखिए 2 रो इसकी हमने कंप्लीट कर ली है दोनों साइड से उल्टी बनाकर। अब इसी तरह से हम इसकी 2 रो और बना लेंगे दोनों साइड से उल्टी उल्टी। ये देखिए 4 रो इसकी बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। 4 रो के बाद देखिए यहाँ से हम 3 फंदे तो बॉर्डर के बना लेंगे उल्टे। देखिए 3 फंदे हो गए, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे यहाँ पर सीधे बना लेंगे। 1 2 2 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और इस फंदे पर हम जाली बना लेंगे। देखिए 1 जाली इस साइड हो गई, और इस साइड भी जाली बनानी है इस फंदे पर हो जाएगी जब हम यहाँ पे जाली बनाएंगे। धागा अपनी साइड करेंगे और ये दूसरी जाली, देखिए 2 जाली यहाँ पर हो गई इस फंदे पर, इस वाले पर। लास्ट वाला फंदा सीधा है, 1 फंदा हो गया, 2 3 4 5 5 फंदे हमने बुन लिए।
फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब इस फंदे पर यहाँ भी जाली डालेंगे और यहाँ भी दोनों साइड इस पर जाली डालेंगे, एक जाली धागा अपनी साइड और ये दूसरी जाली। ये देखिए दो जाली हो गई, लास्ट वाला फंदा सीधा, एक फंदा सीधा हो गया, दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हमने यहाँ पर सीधे बना लिए, धागा अपनी साइड करेंगे और इस फंदे पर दोनों साइड जाली बना लेंगे। देखिए एक जाली, देखिए यहाँ पर ये एक जाली हो गई, ये फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड और ये फंदा सीधा बना लेंगे जाली बनाते हुए। देखिए इस तरह से यहाँ पर, ये देखिए हर पांच फंदे के बाद हम जाली बना रहे हैं। इस फंदे पर दोनों साइड यहाँ पर जाली हो गई, लास्ट वाला फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए इस फंदे पर दोनों साइड जाली, देखिए यहाँ पर जाली, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी साइड और यहाँ पर जाली, ये देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा और इस फंदे पर यहाँ भी जाली, यहाँ भी जाली, लास्ट वाला फंदा सीधा है, एक फंदा सीधा और बना लेंगे, दो फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी साइड करेंगे और ये दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए ये बॉर्डर के बाद की हमने फर्स्ट रो बनाकर इसकी कंप्लीट कर ली। अब इसकी उल्टी साइड पर आएंगे और उल्टी साइड से इसको उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो फंदे हमने जाली वाले बनाए हैं उनको भी हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जाली वाला फंदा है इसको उल्टा बना लेंगे। ये देखिए ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बॉर्डर के बाद हमने इसकी टू रो कंप्लीट कर ली है, एक सीधी इस पर हमने नेट डाली और फिर इसके बाद उल्टी। अब ये देखिए फिर हम सीधी साइड पर हैं, बॉर्डर के बाद की ये थर्ड रो बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे हो जाएंगे। देखिए पहली बार हमने दो फंदे सीधे बनाए थे, अब ये जाली वाला फंदा भी सीधा हो जाएगा, तीन फंदे सीधे। अब इस फंदे पर दोनों साइड देखिए जाली डलेगी, धागा अपनी साइड करेंगे और ये जाली, देखिए एक जाली हो गई इस फंदे पर, अब दूसरी जाली डालेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और फंदा हम सीधा बुन लेंगे। देखिए इस फंदे पर दोनों साइड जाली बन गई, बीच के सारे फंदे सीधे, ये देखिए ये फंदे हमने सीधे बना लिए। अब इस फंदे पर दोनों साइड जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर धागा अपनी साइड और ये दूसरी जाली, दो जाली इस फंदे पर डल गई, बीच के सारे फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, यहाँ पर भी दो जाली, देखिए एक और ये दो, दो जाली डल गई, लास्ट के तीन फंदे हम उल्टे बना लेंगे और पूरी रो हर इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जहाँ जहाँ फंदे दिखाई दे रहे हैं उन पर दोनों साइड जाली बनाएंगे। ये देखिए जाली बनाते हुए हमने इसकी पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड से इसकी उल्टी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए उल्टी साइड से इसकी हमने पूरी उल्टी सिलाई बना ली है। अब सीधी साइड पर है, फिर से इसमें हम जाली बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अब ये फंदे दिखने लगे हैं क्लियर, जहाँ पर हमें जाली डालनी। देखिए एक फंदा ये है जैसे, और देखिए यहाँ पर एक फंदा ये है, ये सीधा, एक दो तीन और ये देखिए चार, चार जगह इसमें हमने जाली डाली है। तो दो जाली इसमें हम बना चुके हैं, आठ और बनाएंगे, टोटल हम इसमें दस जाली बनाएंगे। दस जालियाँ बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें हमने दस जालियाँ बना ली है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक सिलाई के ऊपर है दस, दस जालियाँ इसमें हमने बना ली है। टोटल फंदे हमारे पास इसमें
107 है। देखिए अब हम जो इसमें डिजाइन डालेंगे उसके लिए हमें 108 फंदे चाहिए, तो एक फंदा हम इसमें कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। देखिए ये धागा हम अपनी साइड लेकर आएंगे और यहाँ पर देखिए हम दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, दो फंदों का एक फंदा हो गया, फिर दो फंदों का एक फंदा और फिर दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए हमने यहाँ पर छः फंदों के तीन फंदे बना लिए। अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे, धागा अपनी साइड रखेंगे और ये देखिए इस तरह से धागा अपनी साइड लेकर और जाली बनाते हुए ये सीधा फंदा बुन लेंगे। एक, देखिए इस तरह से धागा अपनी साइड है, सीधी सिलाई डालेंगे, सीधा फंदा बुन लेंगे अपनी साइड से और ये एक फंदा बना लेंगे। एक जाली, फिर धागा अपनी साइड, दो जाली, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीन जाली, फिर धागा अपनी साइड, चार जाली, फिर धागा अपनी साइड, पांच और फिर धागा अपनी साइड, छः। देखिए छः जाली इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से सबसे पहले हमने छः फंदों के तीन फंदे बनाए और फिर हमने छः फंदों पर जालियाँ बना ली, तो हमारे पास यहाँ पर अब 12 फंदे हो गए। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और यहाँ पर देखिए दो फंदों का एक फंदा, फिर दो फंदों का एक फंदा, दो हो गए, फिर दो का एक करेंगे, तीन, फिर दो का एक, चार, फिर दो का एक, पाँच और फिर दो का एक। छः फंदे हमने यहाँ पर बना लिए, 12 फंदों के 6 फंदे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 12 फंदों के 6 फंदे बना लिए। अब फिर से हम 6 फंदों पर जालियाँ बनाएंगे, धागा अपनी साइड, एक जाली, फिर धागा अपनी साइड, दो जाली, फिर धागा अपनी साइड, तीन जाली, फिर धागा अपनी साइड, देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 चार जाली हमने बना ली, धागा अपनी साइड करेंगे और ये पांचवी जाली, फिर धागा अपनी साइड और ये छठी जाली, छह जाली हमने बना ली है। फिर से हम 12 फंदों के 6 फंदे बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और यहाँ पर ये देखिए दो फंदों का एक, एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 12 फंदों के 6 फंदे हो गए। फिर यहाँ पर 6 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर 12 फंदों के 6 बनाएंगे, फिर 6 फंदों पर जाली बनाएंगे। हम इस तरह से पूरी जो सिलाई है इसको कंप्लीट करेंगे और लास्ट में देखिए हम 6 फंदों के 3 फंदे बना लेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे 6 फंदों के 3 फंदे। तो लास्ट में भी अब दो फंदों का एक, दो का एक, दो का एक, इस तरह से यहाँ पर 6 फंदों के 3 फंदे बना लेंगे। एक फंदा हमारे पास कम है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, जिसे आप कहीं भी एडजस्ट कर लें, पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन बनाते हुए। अब इसकी उल्टी सिलाई पर है और इस सिलाई को पूरी को हम उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हम इसकी उल्टी बना लेंगे, जाली वाले जो फंदे हैं इनको भी उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसको उल्टा बनाते हैं। ये देखिए अब हम इसके सीधी साइड पर है, उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। ये धागा हम अपनी साइड लेकर आएंगे और पूरी रो उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से
इसको उल्टा बनाकर कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये सीधी साइड से हमने इसकी पूरी सिलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी उल्टी साइड पर आएंगे और देखिए इसमें कलर चेंज करेंगे। अब उल्टी साइड से इसमें ये मर्जेंटा कलर हम लगा लेंगे। उल्टी साइड से इसको उल्टा बुनेंगे। देखिए पूरी रो उल्टी बना लेते हैं। ये देखिए उल्टी साइड से इसमें हमने कलर चेंज कर लिया है और ये पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसकी सीधी साइड पर है और फिर से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए दो फंदे तो हम यहाँ पर उल्टे बना ले, दो का एक बना लेंगे। दो फंदों का एक हो गया, फिर दो फंदों का एक और फिर दो फंदों का एक। छः फंदों के यहाँ पर तीन फंदे हमने बना लिए। अब फिर से हमें वही जाली इसमें बनानी है। छह फंदों पर जाली बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। फिर धागा अपनी साइड करेंगे। छह फंदे बना लेंगे, बारह फंदों के छः। देखिए एक हो गया दो फंदों का, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब फिर से छः फंदों पर जाली डालेंगे। देखिए हमें वही डिजाइन इसमें डालना है जो हमने यहाँ पर डाला था, अब यहाँ पर डालेंगे। डिजाइन डालने के बाद एक सिलाई इसकी उल्टी बना लेंगे और फिर एक सिलाई इसकी सीधी साइड से उल्टी बना लेंगे। दो सिलाई हमें और बना ली हैं। ये सिलाई बनाने के बाद दो और बनाएंगे दोनों साइड से उल्टी उल्टी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसके दो डिज़ाइन बना लिए हैं। ये देखिए ये वाले यहाँ पर दो डिज़ाइन हम बना चुके हैं और दो डिज़ाइन इसके और बना लेंगे। अब उल्टी साइड से इसमें हम कलर चेंज करेंगे, ग्रीन कलर लगा लेंगे और फिर ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद एक डिज़ाइन हम मर्जेंटा कलर से बनाएंगे। दो डिज़ाइन और बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके हमने दो डिज़ाइन और बनाकर कंप्लीट कर लिए, एक ग्रीन से और एक ये मर्जेंटा कलर से। अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये इसकी उल्टी साइड है और उल्टी साइड से इसको हम सीधा बंद करेंगे। देखिए इस तरह से दो फंदों का एक फंदा किया, फिर फंदा वापस, फिर दो फंदों का एक फंदा। ज़्यादा टाइट हमें नहीं घटाना है। ये देखिए इस तरह से दो दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे, फंदा वापस करेंगे, फिर दो फंदे एक साथ, फिर फंदा वापस, फिर दो फंदे एक साथ। ये देखिए इस तरह से पूरी को हम घटा लेते हैं इसको। ये देखिए इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया है और ये देखिए इसके नीचे का बॉर्डर बहुत ही प्यारा लगा है बनकर। ये देखिए अब हम इसकी मैचिंग कैप बनाएंगे। यहाँ पर कैप बनाने के लिए हमने 44 फंदे ले लिए हैं और 10 नंबर की ही सिलाई ली है। मैजेंटा कलर से हमने इसमें फंदे डाले हैं। देखिए इसको उल्टा बुनना है अपनी साइड से। देखिए फंदे थोड़े से टाइट हैं। देखिए इस तरह से उल्टा बनाते हुए इसकी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक स्लाइस की हमने कंप्लीट कर ली है सीधी साइड से उल्टी बनाकर। अब तीन सिलाई इसी तरीके से और बना लेंगे। एक तो ये उल्टी साइड से, फिर सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से। तो टोटल हम चार सिलाइयाँ दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाएंगे। एक बना चुके हैं, तीन बनाएंगे और इसे बनाने के बाद फिर दिखाएंगे। ये देखिए इसके बॉर्डर की हमने चार सिलाइयाँ दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। इसमें ये ग्रीन कलर लगाएंगे।
अब ऊपर इसको हम एक ही कलर से बनाएंगे। देखिए इस तरह से बुन लेंगे, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। इसको हम लगभग 2.5 इंच बनाते हैं, फिर दिखाएंगे। ये देखिए ये पट्टी हमने इसकी तैयार कर ली है। इसकी लेंथ दिखाएंगे एक बार, ये देखिए पूरे 2.5 इंच तैयार है। और एक बार इसकी हम चौड़ाई भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए 7.5 इंच के करीब है, थोड़ी सी कम है 7.5 से। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना लें जितनी चौड़ी और लंबी आपको चाहिए। लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि इस इन कान्हा जी का प्रॉपर जो फिटिंग है वो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। आप इसे इसकी लंबाई और चौड़ाई देखकर एक दो सिलाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दो या चार फंदे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से 7.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी ये पट्टी हमने बना ली है। अब इसको हम बंद कर देंगे। देखिए हमने इस तरह से धागा डाल लिया है नीडल में, और ये सारे फंदे हम उतार लेंगे इस धागे के ऊपर। ये देखिए इस तरह से ये सारे फंदे हमें उतार लेने हैं। देखिए ये फंदे हमने सारे उतार लिए हैं। अब इसको हम खींच देंगे, बहुत ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर इसको हम खींच देंगे, और ये देखिए यहाँ पर एक नोट लगा देंगे जिससे हमारे फंदे लूज ना हो। साथ के साथ यहाँ पर एक नोट लगाते हैं। ये देखिए, और इसको यहाँ से यहाँ तक हम सील लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखिए इस कैप को हमने सील लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए हमने 12 इंच लंबे 3 धागे जो उनके हैं वो कट कर लिए। देखिए 12 इंच इसकी लंबाई है, तो इस तरीके से हमने ये देखिए 3 धागे यहाँ पर कट कर लिए हैं। अब यहाँ को इनको फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से तरह से फोल्ड करके और यहाँ से देखिए इनको इस तरह से लेंगे, इस तरह से ले लिया, और यहाँ से फिर हम ये धागा इसके अंदर से निकाल देंगे। देखिए यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से 3 धागे हम निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स इसकी हमने चोटी भी बना दी है, ये देखिए, और ये चोटी वाली कैप बिल्कुल रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स चोटी वाली कैप और ये ड्रेस बिल्कुल रेडी है कान्हा जी को पहनाने के लिए। फ्रेंड्स आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी। अगर ड्रेस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।